जनवरी को ऋतिक रोशन का जन्मदिन था और इस खास दिन को उन्होंने जश्न के रूप में मनाया। कहा जा रहा था कि ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन रोशन की इस पार्टी में हिस्सा लेंगी। पार्टी में मौजूद लोगों की निगाहें ऋतिक की पत्नी को ढूंढ रही थी, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आई। मामले की गहराई में गए तो पता चला कि ऋतिक ने सुजैन को पार्टी में बुलाया ही नहीं था, तो भला वे कैसे वहाँ आती? आखिर सुजैन को क्यों नहीं बुलाया गया? सूत्रों का कहना है कि ऋतिक और सुजैन अब अलग हो चुके हैं। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। वे एक दूसरे को पार्टीज में नहीं बुलाते क्योंकि दोनों को साथ देख खबरें बनने लगती है और वे नहीं चाहते कि ये मामला तूल पकड़े। इसीलिए ऋतिक ने अपनी पार्टी से सुजैन को दूर रखा और सुजैन ने इसका बुरा भी नहीं माना।